ऊपर कर रहे थे TPMP AP के बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये बड़े मजेदार न्यूमेरिकल्स हैं, देखने में बड़े खतरनाक वैसे बड़े इजी। प्रोडक्शन फंक्शन के न्यूमेरिकल्स, प्रोडक्शन फंक्शन के न्यूमेरिकल्स, प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट ओ ले लो क्यू ले लो इज द फंक्शन ऑफ वेरियस इनपुट्स, यस और नो? ये जनरल फॉर्मूला होता है, आप ओ ले लो या क्यू ले लो आउटपुट और क्वांटिटी। अब ध्यान से देखना, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज क्यू इज इक्वल टू 2L² स्क्वायर K² क्या है ये? प्रोडक्शन फंक्शन L² K² फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस विद 5 यूनिट्स ऑफ L एंड 2 यूनिट्स ऑफ K। और फिर व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, बहुत इजी है, ये है प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें कोई डाउट? अब के सिनेरियो वन, एल क्या है? 5 यूनिट्स, के क्या है? 2 यूनिट्स, इसको रिप्लेस कर दो इक्वेशन में, तो क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एल क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 25 टू 50, 54 जा 200। तो द मैक्सिमम क्वांटिटी, तो ऐसे लिखते हैं, द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर 200 यूनिट्स, ऐसे लिखते हैं। तो बेटा क्या ये आप अपने आप कर पाएंगे? इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट द फर्म कैन प्रोड्यूस विद 0 यूनिट ऑफ एल एंड 10 यूनिट्स ऑफ के। तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग, सेकंड पार्ट क्या है? एल क्या है? 0 यूनिट्स, और के क्या है? 10 यूनिट्स। आपने कैपिटल पैसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, लेबर बिल्कुल खत्म कर दी, लेकिन हमारी इक्वेशन क्या थी? क्यू इज इक्वल टू एल टू टू L² K² तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर 2 इंटू 0 इंटू 100, तो एनीथिंग इंटू 0 इज 0। कह रहा भैया एल डॉट के मल्टीप्लीकेशन है तो लेबर ही नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं बनेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फंक्शन। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अलग से करके दिखाऊं।